नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, विकास उन्हीं का होता है जो अपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ पे देश की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश का भी अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अमेरिका आज भी अपने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है और प्राइवेट सेक्टर से इतना ज्यादा पैसा वो कमाता है, पूरी दुनिया में आज वो राज कर रहा है। और अब अगर देखा जाएगा तो हमारा भारत भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही तेजी से बढ़ावा दे रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ सालों में मैंने भी ये देखा है, आप लोगों ने भी ये चीज गौर की होगी कि प्राइवेट कंपनियां बाहर निकल के आ रही हैं। यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिफेंस के मामले में, तो डिफेंस के मामले में भी 2022 के डिफेंस एक्सपो में बहुत सारे ऐसे हथियार दिखाए गए। दोस्तों, यहाँ पे अडानी डिफेंस सिस्टम ने भी अपना एक बेहद ही खतरनाक और एडवांस हथियार दुनिया के सामने रखा है। और वाकई में दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको अगर हथियार बनाने को दे दिया जाए तो ये काम बहुत ही ज्यादा जल्दी कर देंगी, क्योंकि इनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं रहती है। फंड वगैरह ये अपनी कंपनियों को मुहैया कराते रहते हैं, तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत ही जल्दी हथियार बना लेते हैं। आपको याद होगा कि बीच में एक खबर उठी थी कि तुर्की ने अपना TB2 को पाकिस्तान को बेच दिया है और पाकिस्तानी एयरफोर्स में TB2 ड्रोन देखने को भी मिला है। लेकिन दोस्तों, अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा बेहद ही खतरनाक और एडवांस आर्म ड्रोन बनाया जा रहा है और इसे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो आर्म ड्रोन बनाया जा रहा है, ये दोस्तों हार्मिस 900 UCAV पर आधारित है। यानी कि दोस्तों, ये TB2 ड्रोन को बराबर की टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। अहम बात दोस्तों ये है कि ये 36 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भर सकता है। ये काफी अच्छी बात है कि 36 घंटे तक हवा में रहना, अपने साथ लगभग 350 किलोग्राम तक के वारहेड को भी कैरी करके लेके जा सकता है। तो अडानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा ये भी दावा किया गया है कि इस UCAV में ज्यादातर हथियार जो लगाए जाएंगे वो स्वदेशी रूप से लगाए जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम, लार्ज एरिया स्कैनिंग सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम लगेंगे। यानी कि दोस्तों, ये जो UCAV बनाया जा रहा है ये वाकई में काफी ज्यादा एडवांस और खतरनाक होने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक TB2 ड्रोन को बराबर की टक्कर देगा, तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा कि आगे आने वाले समय में भारत कितना ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाएगा तो TB2 जो तुर्की का ड्रोन है, ये दुनिया का सबसे एडवांस और अच्छा ड्रोन माना जाता है। और भारत की प्राइवेट कंपनियां अगर उससे भी अच्छा ड्रोन बनाकर तैयार कर रही हैं तो वाकई में गर्व की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा बाहर निकालना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देकर ऐसे ऐसे हथियार बनाने चाहिए जो वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड में बेचे जा सके, दुनिया उन्हें खरीदे, जिससे भारत को भी काफी हद तक फायदा हो। लेकिन आपका क्या मानना है दोस्तों, अडानी डिफेंस के द्वारा बनाए जाने वाले आर्म वेरिएंट के इस UCAV को लेकर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।